बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। वो शक्ल से शरीफ घराने की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे पास करीब आकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगे? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही, फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराकर, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी, आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहें तो मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज़। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत से उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो जिस्म बेचने पे क्यों मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, ही नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी, होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं कार में बैठ गया, आकर मुझे मैं ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला, मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगे, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुरका उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी मेरी आंखों में देखकर, बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं पूछूंगा, क्यों करती हो ऐसा, क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूंगा कि छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी, आप पागल लग रहे हो मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा, हाँ पागल ही हूँ, सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, फिर 10,000 निकाले, उसके हाथ पे रखे। वो हैरान थी, कहने लगी, मैंने नहीं लेने, आप क्यों दे रहे हो मुझे ये पैसे? मैंने उसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी, वो अपने आंसू रोके बैठे थी। बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं है, अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ना जिंदगी ने? ये सुना था, उसकी आंखें नम हो गई थी, जैसे कोई कयामत गिर गई हो उस पे। मैं समझ चुका था कि कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला, कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा, बताया मेरा नाम है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया तो परेशानी वाली कोई बात नहीं तो बताने लगी शोहर मर गया है, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। मामू के घर आई, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैंने जब मामी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बूढ़े से मेरी शादी करवाई, उसकी भी बच्चियां हैं, उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शोहर भी फोत हो गया, बेटियों को लिए दर बदर भटकने लगी, न छत थी न रोटी थी, भूख का इफलास था। सड़क पे खड़ी थी, एक साहिब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए माँ की ममता हालात के सताई हुई, क्या करती आखिर चल दी, अब हर रोज़ जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया हुआ है, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ, क्या करूँ, बहुत बार सोचा हूँ खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी, मैं ज़माने की बेहसी महसूस कर रहा था। उसके सर पे हाथ रखा, उसे कहा, तुम्हारा भाई है, आज से तुम अपनी बेटियों को ले आओ, मेरे ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रखो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी,
कार में बैठाया, उसके घर पहुंचा। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी, गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी, मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं, आप कौन हैं? मैं इसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी, झोली उठाकर न जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उससे कहा जाकर सो जाएं, अपने ऑफिस रूम में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शोहर से झगड़ा कर रही थी, उसे कह रही थी मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर नहीं है। वो अपना घर जला रही थी, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियां क्या होती हैं, ज़माने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता हूं, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक़ें लेना आसान है, इसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का सियापा, कभी चटानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज़ मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए। हज़ारों आंखों के आंसू देकर अपने घर को आबाद रखो। औरत खुदा की कसम मेरे माशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी बाप की पगड़ी पे लुट गई, तो कभी सास के जहर आलूदा लेजे पे, कभी शोहर की अनार पे खाक हो गई, तो कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस तहरीर को, तो शायद मेरा माशरा बदल जाए।